हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। सलमान खान की टाइगर ने बीट कर दिया है पीके का ये रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और आपको जानकर खुशी होगी कि सलमान खान की फिल्म बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ी। चलिए मैं दिखाता हूँ क्या रिकॉर्ड है आखिर। अगर हम डेज टू रीच 275 करोड़ की बात करें, यानी कि 275 करोड़ किस फिल्म ने कितने दिनों में कमाए हैं, तो सलमान खान की टाइगर जिंदा है ने 12 दिनों में कमाया है और पीके ने 14 दिनों में कमाया है। यानी कि पीके से ज़्यादा बेहतर कमाल करी टाइगर जिंदा है। यानी कि अगर पीके का रिकॉर्ड भी अगर तोड़ देती है 340 करोड़, तो भी कोई शॉकिंग बात नहीं होगी, क्योंकि फिल्म के पास अभी भी काफ़ी टाइम है। और बजरंगी भाईजान ने 15 दिन लगाए, सुल्तान ने 16 दिन लगाए, धूम 3 ने 20 दिन लगाए, पीके ने 14 दिन जैसे मैंने कहा, और दंगल ने 11 दिन। यही एक फिल्म थोड़ा सा जो आगे है, अदरवाइज़ टाइगर जिंदा है ने 12 दिन में ये 275 करोड़ का आंकड़ा किया और पीके को और सुल्तान, धूम थी, बजरंगी भाईजान को, इन सबको पीछे कर दिया है। तो कितने खुश हैं आप और क्या लगता है कहाँ तक फिल्म का कलेक्शन जाएगा, जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर कितना ही, बाय बाय।